हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे बेसिकली दो कंपनीज़ के बारे में। अभी दो कंपनीज़ एज यूजुअल आपको पता ही है, हमारा जो ज़्यादा फोकस रहता है वो हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड ही रहता है। एंड मल्टीपल टाइम्स आपको शायद से इसी चैनल के ऊपर 20 से ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगे इन्हीं कंपनीज से रिलेटेड। सो इन कंपनीज़ का थीम क्या है ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया। देखिए, हर कोई चाहता है कि बिजनेस ज़बरदस्त ग्रो करे, ठीक है, बट उसी के साथ साथ अगर देखा गया थोड़ा सेफ्टी होगा तो अच्छा ही लगेगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लार्ज कैप में तो हम लोग को बहुत सारे प्लेयर मिल जाते हैं, बट खास करके अगर देखा गया तो मिड कैप कंपनीज़ में भी कोई ऐसा सेफ्टी वाली कंपनी है। सेफ्टी मतलब रिस्क पूरा जीरो तो कह नहीं सकते, ऑब्वियसली रिस्क कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, बट यस, लॉजिक के हिसाब से अगर देखा गया तो इन कंपनीज़ के डूबने के चांसेस काफ़ी रेयर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं एक मिड कैप कंपनी होने के बावजूद। और इसी से रिलेटेड जैसे मैंने कहा, काफ़ी वीडियोज़ में बना चुका हूँ, अगर आप चाहो तो पुराने वीडियोस को भी देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बीच में ये जबरदस्त नीचे आए थे एंड मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ कि अगर इन कंपनीज में जाना है तो कब जाना सही होता है करके। बट आप सभी लोगों को पता ही है, यूजुअली मार्केट में लोग क्या करते हैं, उल्टा ही करते हैं। अगर मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो बताओ आप खरीदना कहाँ पे पसंद करोगे? तो एक्चुअल में हम कहेंगे इधर, या फिर इधर खरीदना पसंद करेंगे, इधर खरीद नीचे खरीदना पसंद करेंगे, यहाँ पे बेचना प्रेफर करेंगे, यहाँ पे बेचना प्रेफर करेंगे, यहाँ पे बेचना प्रेफर करेंगे, तो प्रॉफिट होगा। बट एक्चुअल में कड़वी सच्चाई यही है, मान लो भाई कि लोग उल्टा करते हैं। इसका क्या उल्टा करते हैं, जब यहाँ पे नीचे होगा तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, ठीक है, बट जब एकदम रॉकेट बनेगा तभी जाके खरीदेंगे। और इसीलिए बहुत सारे लोगों को बार बार नुकसान, मतलब क्या, वो स्टॉक फिर नीचे आता है तो उनको परेशानी होना स्टार्ट होती है। तो इसके पहले भी मैंने कितनी बार आप लोगों को ये टेक्निक समझाई है, ये बातें मैंने बहुत बार सिखाई, बट प्रॉब्लम वही है, लोग आते हैं वीडियो को आगे पीछे करेंगे, स्टॉक का नाम देखेंगे, चले जाएंगे, कभी सीख ही नहीं पाएंगे वो लोग। दिन बीतते जाएंगे, साल बीतते जाएंगे और उसके बाद वो कंपनी बढ़ती रहेगी और फिर एकदम टॉप पे खरीद लेंगे। सो यही पे हम लोग बात करने वाले ऐसे बिजनेसेस वाली कंपनी जो मिड कैप होने के बावजूद सुरक्षित और अच्छे खासे रिटर्न्स देने का भी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर रहेगा भाई, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। तो उसमें से पहली कंपनी आप सभी लोगों को बताइए, हमारे बाजार के दो ही डिपॉजिटरीज देखने को मिल जाते हैं, एक है NSDL, दूसरा CDSL। तो आपको पता ही है कि CDSL को हम लोगों ने काफ़ी बार यहाँ पे कवर किया है। कवर करने का अर्थ बिल्कुल नहीं होता है कि मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ भाई, मैं आपको हमेशा बिजनेस बताता हूँ। इन कंपनीज़ को खरीदने का सही टाइम क्या होता है, जब बाजार में निफ्टी, आप सभी लोगों को पता है निफ्टी भी भाई ऊपर नीचे ऐसा चलेगा। तो याद रखना, जब भी निफ्टी आपको ऐसे यहाँ पे ऐसे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगा ना निफ्टी में, CDSL भी आपको नीचे देखने को मिलेगा। उनका बिजनेस का लिंक ही एक दूसरे के साथ वैसे ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। जब बुल रन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा IPO आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन किए जाएंगे, तो ये कंपनीज़ को भी फायदा यहाँ पे होता रहता है। और जब बाज़ार में मंदी रहेंगी, बाज़ार नीचे रहेगा, कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होगा, तो कम डीमैट अकाउंट यहाँ पे ओपन होंगे, तो ये भी कंपनी नीचे रहेगी। तो हमेशा याद रखना, आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करो, ये देखो ये वाला जो चार्ट पैटर्न है ना, ये वाला या फिर ये वाला, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जाकर चेक कर लेना, बाजार भी निफ्टी भी आपको उस माहौल में डाउन ही देखने को मिल रहा होगा। और ये वाला जो चार्ट पैटर्न, ये वाला यहाँ पे भी चेक कर लेना, निफ्टी आपको टॉप पे देखने को मिलेगा, मतलब अच्छा खासा तेजी वाला देखने को मिलेगा, एकदम डायरेक्ट लिंक हम लोग को दोनों में देखने को मिल जाते हैं। और बीच में ज़बरदस्त ये कंपनी नीचे टूटकर यहाँ पे आई थी। अभी जिसको बिजनेस से भाई कोई लेना देना है नहीं, उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, उनको चाहिए कुछ तो जादू की छड़ी, वो घुमाएंगे, अकाउंट में पैसे आएंगे तो वो तो कुछ होने वाला है नहीं। तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझनी है। सो डिपॉजिटरी वाली कंपनी है, आप सभी लोगों को बताया भाई, इनको अगर कुछ हो गया तो बाजार में बहुत बड़ा विवाद हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो जितने भी शेयर्स रहते हैं हमारे कस्टडी में तो नहीं है अभी, डिपॉजिटरी के ही पास रहते हैं यहाँ पे, NSDL CDSL के पास रखते हैं। एंड अभी के जो भी अकाउंट खोले जाते हैं आपको पता है CDSL के थ्रू ही खोले जाते हैं। तो जो भी आप शेयर्स खरीदते हैं फिजिकल फॉर्म में, किधर है हमारे पास शेयर, नहीं है। आपके पास शेयर होंगे कि नहीं, किसी ना XYZ कंपनी के 10 शेयर, 100 शेयर, 200 शेयर, 500 शेयर्स, तो आपके पास थोड़ी है, वो CDSL के पास है। इसलिए तो हम लोग काफ़ी बार वीडियोस में देखते हैं कि ये ब्रोकर भाग गया तो क्या होगा, वो ब्रोकर भाग गया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे शेयर्स है वो जिसकी जो कस्टडी है वो इन डिपॉजिटरी के पास है, CDSL के पास है। तो इसीलिए इन कंपनीज़ को सुरक्षा बहुत ज़बरदस्त प्रोवाइड की जाती है। एंड इसीलिए जब भी हम लोगों ने देखा है अभी टॉप पे देखने को मिलेगा ना, तो हर कितने सवाल आते हैं अभी क्या करूं, तो जब ये नीचे था इतने में वीडियोस बनाता था भाई, तभी भी मैं कहता था कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट आपको ये कहता था हाँ भाई जब मार्केट गिरेगा तब इन कंपनीज़ की ओर आपका सबसे पहला फोकस जाना चाहिए, क्योंकि ये खुद से तो गिरेंगे नहीं, जब मार्केट गिरेगा तभी ये गिरेंगे, और जब मार्केट टॉप पे रहेगा ये भी टॉप पे रहेंगे। आज आप देख लो कितनी बार ये चीज़ें प्रूव होती रहती है। तो इसलिए कहता हूँ बिजनेस को समझो, तभी जाके आप इन चीज़ों को समझ में आओगे, वरना बाकी लोगों को ये मैजिक लगता है, ठीक है। तो इसलिए CDSL को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ठीक है। कंपनी की बैलेंस शीट भी देखो, एकदम स्ट्रांग बैलेंस शीट, 400, 500, 700, 850 करोड़ के रिजर्व्स है। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, शॉर्ट टर्म बोरिंग 0, कर्जे का ये करेंगे ही क्या, ठीक है। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की भी अगर हम लोग बात करें तो 60 करोड़ के आसपास का कैश भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो एक मिड साइज की ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, डिपॉजिटरी वाली कंपनी।
जहाँ पे अभी इसके पास ज्यादा ज्यादा डीमैट अकाउंट का शेयर देखने को मिल जाता है। देखो केवल 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड ये तो अभी टॉप पे, इसीलिए वरना अगर आप मेरा पुराने वीडियो का लिंक जैसे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाकर चेक कर लो, तभी कंपनी कितनी छोटी हुआ करती थी। मेरा मुझे आज भी वो वीडियो का टाइटल याद है, एक मिड कैप एंड एक स्मॉल कैप, और जैसे मैं कहता था कि इन कंपनीज के डूबने के चांस काफ़ी कम रहेंगे। तो आप जरूर चाहो तो इन छोटे कंपनीज को स्टडी करना क्योंकि इनमें ग्रोथ भी है, और आज आप देख सकते कंपनियाँ क्या कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है। अभी वो टॉप पे आएंगे तो हर कोई खरीदने का बात करेगा, तो वो तो कोई सेंसिबल बात ही नहीं। यहाँ पे मार्केट दो झापड़ मार देगा, स्टॉक नीचे आएगा तो रोना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे में तो शेयर मार्केट तो कुछ वर्क करता है नहीं। अगर आप कंपनी का पीएनएल भी देखोगे, अर्निंग्स देखिए कंपनी की, पहले 5, 4, 4, 5 ऐसे ही चलते थे, और अभी की अगर अर्निंग्स चेक करोगे तो 20-30 के रेंज में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, मतलब 6-6 गुना बढ़ते हुए देखने को मिले। तो स्टॉक भी कुछ वैसे ही एक्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो काफ़ी कमाल की कंपनी, काफ़ी शानदार कंपनी हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो जरूर आप चाहो तो CDSL जैसी कंपनी को स्टडी कर सकते हो। देन उसी के साथ साथ एक और वैसे ही टाइप का बिजनेस देखने को मिल जाता है। कौन सा? शेयर मार्केट में दो बड़े रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। मतलब शेयर मार्केट में और भी एक्सचेंजेस है बट रिकॉग्नाइज दो ही है, NSE एंड BSE, दैट्स इट। एंड NSE अभी तक तो लिस्टेड नहीं हुआ है, जिस दिन NSE NSDL मार्केट में आएंगे ना उस वक्त उनके ऊपर भी बाजार का अच्छा खासा फोकस जरूर रहेगा। सो फिलहाल तो भाई NSE तो है नहीं, काफ़ी सारा जो गड़बड़ चल रहा है उसको सॉर्ट आउट उनको करना है। तो अभी तक तो फिलहाल कौन है? अकेला BSE है। तो डेफिनेटली BSE की भी अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म, सेम इनका भी चार्ट पैटर्न आपको वही देखने को मिलेगा। ये देखो ऐसा नीचे आया, यहाँ पे मार्केट नीचे रहेगा तो ये भी नीचे रहेंगे, कोविड में ये भी गिरा, ये भी गिरा, देन कोविड बुल रन आया तो ये भी बुल रन, देन उसके बाद मार्केट गिरा तो ये भी गिरा, देन अभी मार्केट टॉप पे कि नहीं, ये भी टॉप पे है। कितना सिंपल है, क्या ये प्रवचन में आज दे रहा हूँ? नहीं, अरे हो गया भाई, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल हो गया आपको, बोला ना 20 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे। मुद्दा ये नहीं है कि मैं आपको पहले बता रहा था देखो अभी 200 पे अभी 2000 का आ गया, वो मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये कि आप बिजनेस को क्यों नहीं देखते हैं, वरना ये ऐसे नाम बदलते रहेंगे भाई। जिस दिन आप इन चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट किए ना, उस दिन आप बिलीव मी आप शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छा करोगे, वरना बाकी दुनिया तो आपको पता ही है। अभी सवाल क्यों पूछते हैं भाई, सर अभी खरीदे क्या है? वो क्यों पूछ रहे पता है? हाँ, उनको ये मेरे मुंह से सुनना है कि मैं हाँ बोलूँ और फिर उसके बाद ये 4,800 हो जाए, 5,800 हो जाए और वो आराम से सोए, तो भाई ऐसा होने वाला है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा वो स्टॉक 2500 तक आ जाएगा तो रोना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉलेज तो है नहीं, देखा ही नहीं कंपनी क्या करती है, क्यों नीचे आ रहा है करके, फिर क्या बोलेंगे शेयर मार्केट फ्रॉड है, स्कैम है। अरे भाई फ्रॉड स्कैम नहीं है, हम हमारा नॉलेज ही नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे समझनी है, सीखनी है। ठीक है, देन अगर देखेंगे तो BSE तो ये कितना है, 150 साल लगभग अभी कंप्लीट हो जाएगी 2 साल के बाद। अभी कितना है? 148 है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना पुराना हम लोगों को ये परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी एक्सचेंज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि रिस्क में भी यहाँ पे क्या होता है, वो पैरामीटर वो थोड़ा सा कम हो जाता है एंड ग्रोथ भी है, इसीलिए कंपनी इतना अच्छा कर चुकी है। सो यहाँ पे देखा गया तो जितने लोग ट्रेडिंग यहाँ पे करते हैं, देखिए ट्रेडिंग करने जिसको करना है करने सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट आपको पता है ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा बनता नहीं। नेट पैसे की मैं बात कर रहा हूँ, एक आध बार छक्का तो भाई बॉलर भी लगा देता है बट वो ओपनिंग बैट्समैन नहीं बन सकता। ठीक है, वो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे एक बार कमा लोगे 5,000, दो बार कमाओगे 10,000, ठीक है, और एक ही फटके में लाख रुपया गवा के आ जाओगे, तो नेट नेट परफॉर्मेंस देखा गया तो माइनस में ही रहता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट में बनता है पैसा अगर आप सही ढंग के शेयर चुनकर लॉन्ग टर्म में बैठे रहो, बनता है। हाँ, हो सकता है कभी थोड़ा कम बने बट इन्वेस्टमेंट में पैसा डूबने के चांसेस काफ़ी कम। हाँ, अब अगर आप एकदम ही वाहियाती कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाओगे तो फिर मतलब भगवान ही बचाए आपको। बट ट्रेडिंग की बात करें तो आपको पता है यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रेडिंग मतलब कैसे थे, लुक्रेटिव टाइप होता है, मतलब इसकी लत लगती है लोगों को, और जितना ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे इन कंपनीज़ को भाई फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, उनको पार्टी ए जीतेगी तो बी हारेगी, बी जीतेगी तो ए हारेगी, तो अल्टीमेटली इनको इनका चार्जेस मिलने वाले हैं। बीच में आपको पता है खबर भी आई थी कि शेयर मार्केट शायद से लेट नाइट तक चालू रखेंगे ट्रेडिंग के हिसाब से, ये बोलेंगे पूरे रात 24 घंटे चालू रखो, 365 डेज 24/7 चालू ही रखो, क्योंकि इनको तो पैसा मिलता ही रहेगा। ठीक है, टीम कोई भी जीते, यहाँ पे राजस्थान जीते या फिर KKR जीते, अल्टीमेटली स्टेडियम वाले पैसे छापने वाले, वैसा ही है इनके लिए। ये ट्रेडिंग फ्लोर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उसके चार्जेस बढ़ाएंगे तो कोई ये तो नहीं बोलेगा कि भाई अब तो मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, चार्जेस बढ़ा दिए, तो बीच में उन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए थे, तो देखिए इनको फायदा हो रहा है, तो रेवेन्यू बढ़ाते रहेंगे। और यहाँ पे देखा गया तो दो ही एक्सचेंज देखने को मिल जाते हैं, NSE BSE, ठीक है, और BSE के ऊपर ये बड़ी बड़ी ट्रेडिंग्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। रिजर्व्स भी देख सकते हो, 2-2, 2.5-2.5 हज़ार करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है। सेम यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो नजर आ जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 950 करोड़ का कैश भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो एकदम तगड़ी बैलेंस शीट यहाँ पे भी नजर यहाँ पे आ जाती है। तो कमाल की कंपनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ट्रेडिंग आप इक्विटी में, करेंसी में, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में, डेरिवेटिव में, म्यूचुअल फंड में यहाँ पे कर सकते हो, तो इनको तो फायदा यहाँ पे होगा ही होगा। अभी इतना भागने के बावजूद भी 40,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका बन चुका है। ये कंपनी स्मॉल कैप थी,
यस 5,000 करोड़ से कम मार्केट कैप था तब से हम लोग इसको देख रहे हैं। जो वीडियोस के लिंक दिए ना मैंने पूरा नहीं, जाके देख लेना, प्राइस मत देख लेना क्योंकि उसके बाद बोनस स्प्लिट यहाँ पे हुआ था इसलिए वो नीचे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इतना कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कंपनी के अर्निंग्स भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से, एक ज़माने में 3-4 का EPS यहाँ पे हुआ करता था, अभी लगभग लगभग आप देख सकते हो 50-50 के आसपास EPS हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो कुल मिला के स्टोरी क्या है दोस्तों, स्टोरी ये है कि आपको धंधे को यहाँ पे अच्छी तरीके से समझना है। एंड उसमें अगर देखा गया तो मिड कैप में भी आप देख सकते हो कि इस प्रकार के सॉलिड बिजनेस वाली कंपनियां हैं, बट इनका चाल कैसा होता है जैसे मैंने हमेशा कहा है विपरीत होना चाहिए। एंड यही मार्केट का एक्चुअल रूल है, कब जब बाजार गिरेगा, जब हर कोई डरेगा तो ये भी स्टॉक नीचे आएंगे, तब इनके खरीदने के बारे में विचार करना होता है। एंड जब मार्केट एकदम टॉप पे होता है तो ये भी कंपनियां टॉप पे होगी, तब जाके एक्चुअल में खरीदना नहीं होता है, तब आपने एंजॉय करना होता है तेजी को, फिर बाजार में कुछ ना कुछ झमेला होगा, कुछ ना कुछ गिरावट होगी तो ये भी अननेसेसरली नीचे आएंगे, तब आप वापस विचार कर सकते हैं इनके बारे में। नीचे आएंगे मतलब 2-3% के नीचे आने से नहीं सोचना होता है, थोड़ा डिसेंट गिरावट चाहिए, 15-20% देते भाई 40-50% गिरे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को समझ में आप आनी चाहिए। आप रैंडमाइजेशन की ओर चले जाओगे तो फिर मार्केट तो आपको बुरी तरीके से मतलब पटक के मारेगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।